हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम संगम काल के बाद के चोल के बारे में पढ़ेंगे। संगम काल के चोल के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। संगम काल के बाद फिर चोलों का उद्भव हुआ था, आइए उसके बारे में हम एक एक कर जानते हैं। ये चोल का साम्राज्य है जो 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। इन्होंने श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया था, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये पल्लव यहाँ पर थे। पहले जो ये चोल थे ये पल्लव के सामंत थे। इसमें से एक शासक हुआ विजयालय। उसने क्या किया कि जब ये पल्लव कमजोर हुए, इधर इनका पल्लवों का क्षेत्र था, जब ये पल्लव कमजोर हुए तो वह क्या किया कि उसी क्षेत्र पर यहाँ पे अधिकार कर लिया तंजौर पे, और एक अलग चोल राज स्थापित किया। और तंजौर पर अधिकार करने के कारण उसने एक उपाधि लिया नरकेसरी का। हमेशा ही पूछा जाता है कि सेकेंड बार में जो 9वीं शताब्दी में चोल राज्य की स्थापना हुआ था उसके संस्थापक कौन थे, तो हमेशा याद रखिएगा कि विजयालय उसके संस्थापक थे और इन्होंने ही चोल राज्य की फिर से स्थापना किया था। हमेशा प्रश्न पूछता है हर एग्जाम में, और यह भी पूछता है कि यह किसका सामंत था, तो याद रखिएगा यह पल्लवों का सामंत था। और इसने क्या किया था कि तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था, जिसे तंजावुर भी कहते हैं। और इस पर अधिकार करने के बाद इसने एक उपाधि लिया नरकेसरी की। हमेशा पूछता है कि विजयालय ने कौन सी उपाधि लिया था, तो याद रखिएगा नरकेसरी किसने उपाधि लिया था। इसने अपना राज्य जो शुरू में स्थापित किया था वह पेन्नार और कावेरी नदी के बीच स्थापित किया था। यहाँ पे है पेन्नार और कावेरी नदी, इन्हीं के बीच यह स्थापित किया था। बाद में जो इसके बाद के जो शासक आए उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, कुछ क्षेत्रों को जीता और धीरे धीरे चोल राज्य का विस्तार किया। इसके बारे में हम एक एक कर पढ़ेंगे। अब जो है विजयालय के बाद जो है अगला शासक आदित्य प्रथम बना, और यह भी शक्तिशाली शासक था। इसने क्या किया कि पल्लवों के समय जो विजयालय ने ये चोल राज्य यहाँ पे स्थापित किया था वह अभी भी पल्लवों के प्रभाव में था। इसने क्या किया कि फिर से पल्लवों को हराया, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। किसने? आदित्य प्रथम ने। बराबर प्रश्न पूछता है, और कोदंड राम की उपाधि धारण किया। पूछता है कि पल्लवों को हराने के बाद आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया, तो कोदंड राम की उपाधि धारण किया। हमेशा ही यह पूछा जाता है। इसने क्या किया कि पल्लव इधर थे तो इनके कुछ क्षेत्रों को इसने जीत लिया। अगला शासक है परांतर प्रथम, यह भी शक्तिशाली शासक था और इसकी भी जो है राज्य विस्तार की योजना थी। इसने भी क्या किया कि इधर के कुछ क्षेत्रों को जीता, साथ साथ इधर थे पांडे। हमने आपको संगम काल के बारे में जब पढ़ाया तो उसमें चेर पांडे और ये चोल थे, तो उसी समय के ये पांडे अभी यहाँ पे थे। इनका जो राजधानी था मदुरै था। तो इसने क्या किया कि परांतर प्रथम ने इनको हराया पांडे को, और मदुरै कुंड की उपाधि लिया। और पांडे के साथ उस समय श्रीलंका भी पांडे के साथ थे, और दोनों ने युद्ध में शामिल हुआ और परांतर प्रथम ने दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया और साथ साथ पांडे के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन आगे क्या हुआ कि इधर थे राष्ट्रकूट, इस तरफ राष्ट्रकूट थे। हमने आपको जब पल्लव प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ाया था तो हम बताए थे कि जो ये राष्ट्रकूट थे ये भी काफी शक्तिशाली थे। इधर इनका क्षेत्र था राष्ट्रकूटों का और ये काफी शक्तिशाली थे। इसी में एक शक्तिशाली शासक हुआ राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय, यह काफी शक्तिशाली था। और इसने क्या कि प्रांतर प्रथम को तो कोलम के युद्ध में हरा दिया, और इसका जो उत्तरी क्षेत्र था चोलों का उस पर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने अधिकार कर लिया। इसमें परांतर प्रथम का बड़ा बेटा राजा दित्य जो है मारा गया। हमेशा प्रश्न पूछता है कि जो तोकोलम का युद्ध हुआ था उस युद्ध में परांतर प्रथम का कौन सा लड़का मारा गया था, क्या नाम है, तो याद रखिएगा राजा दित्य। और यह भी पूछता है कि परांतर प्रथम को किसने हराया था, तो परांतर प्रथम को ये याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने हराया था। यह काफी शक्तिशाली था कृष्ण तृतीय, और इसने इनको हराया भी और इनके उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। फिर भी चोल रुके नहीं,
इनकी जो राज्य विस्तार की जो योजना थी वह चलते रहे, आगे के जो शासक आते हैं वह इससे भी शक्तिशाली आते हैं। और वो क्या करता है कि जो ये श्रीलंका है जिन्होंने पांडे का साथ दिया था, अब क्या करेगा कि श्रीलंका को भी हराएगा आगे का शासक और इस क्षेत्र पर भी अधिकार करेगा। आइए उसके बारे में भी जानते हैं, उन शासकों के बारे में भी जान। परांतर प्रथम के बाद राजराज प्रथम शासक हुआ, यह भी एक शक्तिशाली शासक था और इसने भी राज्य विस्तार की योजना को बढ़ावा दिया। इसने चेर पांडेय को हराया, चेर का इधर क्षेत्र था और पांडेय का इधर क्षेत्र था, इनको हराया। इसके साथ साथ इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पांच थे जिनको महेंद्र और महेंद्र भी कहा जाता है, प्रश्न में कभी कभी महेंद्र भी आता है कभी कभी महेंद्र पांच भी आता है, दोनों याद रखिएगा। इसने इनको हराया और इनका जो यहाँ पे अनुराधापुर राजधानी था यहाँ पे इनको हरा के इतने बड़े क्षेत्रों पर उत्तरी श्रीलंका पर इसने अधिकार कर लिया। और महेंद्र पांच जो है भागकर ये दक्षिण में जाकर ये शरण लिए। इसके समय तक इतना श्रीलंका जो है चोलों के अंतर्गत आ गया। यहाँ पे अधिकार करने का मुख्य मकसद इनका यही था, व्यापार को बढ़ावा देना, चूंकि यहाँ पे जो था ये समुद्र से सटा हुआ था और यहाँ से व्यापार इस रास्ते होते हुए इंडोनेशिया, इधर थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, इस तरफ व्यापार होता था, इसीलिए इस क्षेत्र पर इसने अधिकार किया था। चूंकि इससे श्रीलंका शासक ने किसी समय पांडे का साथ दिया था और दोनों ने मिलकर युद्ध लड़ा था जिसे परांतर प्रथम भी हराया था, इसी कारण जो है जब यह शासक बना तो सर्वप्रथम यह श्रीलंका पर भी चढ़ाई की। सबसे पहले चेर और पांडे को हराया, श्रीलंका पर चढ़ाई की और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर इसने अधिकार कर लिया और उसका नाम जो है इसने परिवर्तित कर दिया, उसका नाम रख दिया पोलनरुवा। ये हमेशा पूछता है कि जो प्रांत यह स्थापित किया था, इस प्रांत पर जो अधिकार किया था राजराज प्रथम, इस प्रांत की राजधानी क्या था, तो पोलनरुवा जिसको जयनाथ मंडलम भी कहा जाता है, दोनों याद रखिएगा। पहले जो था अनुराधापुर था जब महेंद्र पांच थे तब, तो इनके क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद इस क्षेत्र का नाम बदल दिया, इस प्रांत को ममुंडी चोल मंडलम कहा जाने लगा। जो ये क्षेत्र था अब इसको जो है ममुंडी चोल मंडलम कहा जाने लगा और इसका जो राजधानी है उसको बना दिया गया जयनाथ मंडलम, जिसको पोलनरुवा भी देता है एग्जाम में और जयनाथ मंडलम भी देता है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में आ सकता है और दोनों नाम से उसे जाने जाना लगा। और बाद में जो है महेंद्र पांच को आगे के जो शासक आएंगे वह यहाँ इस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लेंगे और इसको बंदी बना के जो है कारागार में डाल देंगे, आगे हम पढ़ेंगे। इसने क्या किया कि एक मंदिर बनाया तंजौर में, क्योंकि राजाराम प्रथम का ख्याति जो है बढ़ने लगा था, तो इसने एक मंदिर बनाया, क्योंकि यह जो था शिव का भक्त था, इसलिए इसने राज राजकेश्वर मंदिर बनाया था जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राज राजेश्वर मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर याद रखिएगा, राज राज रसे राजा, राज राजेश्वर मंदिर, और इसको बृहदेश्वर, क्योंकि इसका राज विस्तार हुआ तो बृहद क्षेत्र में विस्तार होगा, ऐसे इस मंदिर को याद रखिएगा, जल्दी ये याद नहीं होता है, क्योंकि एक तो याद रखिएगा राजा के नाम पे राज राजेश्वर मंदिर और दूसरा जो है बृहद विस्तार हुआ बृहदेश्वर मंदिर, एक ही नाम है, एक ही मंदिर है लेकिन इसके दो नाम है। कभी कभी एग्जाम में राज राजेश्वर मंदिर भी दे देता है, कभी कभी बृहदेश्वर मंदिर भी दे देता है, पूछता है कि किस शासक ने बनाया था, चोल शासक ने, तो याद रखिएगा राजराज प्रथम ने इसको बनाया था, यह शिव मंदिर था, पूछता भी है कि यह कौन किस भगवान का मंदिर था, तो शिव मंदिर था, चूंकि यह शिव का उपासक था। अब आगे क्या किया इसने कि इसने अपना राज विस्तार की योजना को बनाए रखा, इसने क्या किया कि 1200 द्वीप जो थे इधर उधर छोटे छोटे, इन सभी द्वीप पर अधिकार कर लेता है। कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप पर भी इसने अधिकार किया था, लक्षद्वीप पर भी अधिकार किया था, मालदीप पर भी अधिकार कर लिया था, इधर जो था कलिंग इनके क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था, इतने बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और व्यापार के विस्तार के लिए यहाँ पे शासक थे एक शैलेंद्र शासक विजयोत्तम वर्मन, यहाँ पे शैलेंद्र शासक थे विजयोत्तम वर्मन, इनसे भी दोस्ती निभाने के लिए, व्यापार के विकास के लिए इनको नागपट्टनम में जो चोल में था वहाँ पे एक मंदिर बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। हमेशा प्रश्न पूछता है कि विजयोत्तम वर्मन जो है किस चोल शासक के समय नागपट्टनम में बौद्ध मंदिर को बनवाया था, तो याद रखिएगा राजराज प्रथम। इसने काफी क्षेत्रों पर विस्तार किया, आगे जो इसके पुत्र आएंगे शासक बनेंगे उन्होंने और अपने क्षेत्र का विस्तार किया, आइए उनके बारे में भी जानते हैं।